हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और हो गया रेडी? तो अभी हम जा रहे हैं मेरे घर, अपने मायके जा रही हूँ मैं बच्चों के साथ, क्योंकि मम्मी ने बुलाया है, क्योंकि आ जाइए मम्मी की कोथली। तो मामा आए हुए हैं तो मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। तो अभी हम निकलते हैं। यहाँ पे यहाँ पे तो गाइस एक ऑटो पलट गई थी और वो मतलब रास्ता ही नहीं बचा हुआ था, बिल्कुल एक गड्ढे के बिल्कुल कानी से बच के निकल के गए बड़ी मुश्किल से। बारिश की वजह से इतना ही रास्ता ख़राब हो रखा है ना बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ बारिश के मौसम में कहीं पे भी जाएं बहुत सेफली जाएं और ध्यान रखें इस बात का, गड्ढे कहीं भी हो सकते हैं। तो प्लीज केयरफुली रहना। आज हम नानी के घर आ गए हैं। जाना रहे पैदल। वो नहीं आया हमारे साथ है ना। हाँ अपनी किंजल के। किंजल आज तो किंजल उठ ली, सो रही थी। अरे विष्णु, ये मेरा मोबाइल। विष्णु मेरा भाई भी मारू रहा था, इनू का होगा माँ की कोतली खान आ गई। मैं लड़ाई को नहीं छोटा बीमार हो रहा था, इसके पेट में दर्द था, अभी आराम है। तो भाई नानी बोल रही है, तू सान ये बताइयो तेरी माँ की कोतली का घेवर बढ़िया था, मेरी कोतली का घेवर बढ़िया, वो खा के बताओगा तू सान। ता मैंने दिया था, ये बात हो जाएगा। तो ये देखेंगे भाई माँ की कोतली खा के। अरे किंजल मेरी, किंजल इधर ले। किंजल मासी को याद आ रही थी आपकी? ओए मेरा बेटा, कौन मौसी ने छूट फोड़ दिया, सिर फोड़ दिया। शान खा रहा, अभी चेक करके बताएगा ये अच्छा है या कल अपने घर आया था वो अच्छा है गेवर, कोई फर्क है? इसका एक ब्राउन रंग वाला ना, हम्म, ये थोड़ा टाइट है, हम्म, क्रीम अच्छी है, उससे टेस्टी है ये। उसका नीचे वाला अच्छा था, उसका नहीं लगा, क्रीम इसकी अच्छी है, इसकी क्रीम अच्छी है। तो भाई तुसान को पसंद आया है घेवर? खा लिया मैंने, स्वाद लगया बहुत बढ़िया है ये भी, लेकिन मैंने तो दोनों ही सेम लगे, दोनों ही बढ़िया है। मेरा नहीं बालका ने थोड़ा फर्क लग गया। मामा जो आए हुए थे और अभी जा भी रहे हैं। इतनी जल्दी है मामा? ईब तो आप आए थे, अरीब चाल दिए, फिर कदा होगी? तो मामा ने वादा करा राखी का, राखी में नहीं आए तो देख लियो फिर वादा ये है। और यहाँ पे खुशी खिला किंजल को, बनाना ज्यादा मत खिला, थोड़ा थोड़ा खिला। तो भी बनाना खिला रही है किंजल को, मम्मी बना लाई है चाय और नमकीन, अभी चाय और नमकीन ले रहे हैं। गेवर खा लिया है और मामा भी जा चुके हैं और अभी हम भी जाएंगे थोड़ी देर में चाय पीने के बाद। है तुशान, क्योंकि जाना भाई कल बच्चों को स्कूल में, तो थोड़ी देर के लिए आए थे मिलने। है माँ आए, रुक जाओ आजाद में, एक घंटा रुक के आएगा बच्चा, क्या रुका रुक कर, कल स्कूल में नहीं जाना पड़ता, नहीं जाना, परदेश में जाना आ रहा है, वो परसों परसों पेपर है तो कल जाना तो है स्कूल में। हाँ ना जाना है, जाना पड़ेगा। मम्मी ने क्या कही थी, एक डेढ़ घंटे मार लेंगे बस मामा से मिल के आवा। बोली ठीक है, ना चाय तो गर्म है। तो अभी निकले रहे मामा, मुझे स्कूटी चलाना सिखा दो। और अभी हम जा रहे हैं और ये देखो अभी खड़ी करनी तो सीख रहा है, मामा ने सिखाई है इसको अभी। बेटा गिर, ओ आराम से, बस थोड़े टाइम और उसके बाद सिखाएंगे।
ऐसे पैर तो सही आ जाते हैं आपके स्कूटी पे, थोड़े दिन में तो चला लेगा। वो बिजली वाली ले आए वो तो फिर हल्की। हाँ अच्छा मजा आ जाएगा तूफान को, वो लेके आएंगे, वो कहते हैं हल्की होती है फिर चलाएंगे। बारिश रुक गई तो बारिश रुक चुकी है, अभी जाएंगे घर। बाय। नो नो चलना आपको, बाय। चल पड़े ओए मम्मी। इस गाय की कोथली नहीं आई इसलिए मम्मी के पीछे पड़ गई। देखिए तो अब हम जा रहे हैं गाइस, कितने सारे गाय हैं। देखिए तुषार कैसे जा रहा है और हम स्कूटी पे, इसको डर लग रहा है कि कहीं मम्मी गिरा ना दे। आ जा। देखा ये गाड़ी आ रही है। हम शॉर्टकट से जा रहे हैं और तुषार हमारे पीछे आ गया। देखो कितना खराब है दिखा। ये दीदी चला रहे हैं आप क्या आओगे? चल गई हूँ क्योंकि वक्त का क्या पता चलेगा। मैं तो पैदल ही जाऊंगी। कहाँ पे गड्ढा है? यहाँ है भी। तो आते वक्त भी हम फंस गए थे और बच्चे तो उतार दिए मैंने क्योंकि गड्ढा था तो डर था, तो बड़ी मुश्किल से निकले। यहाँ पे पास में ये भी बोल रहे थे कि एक स्कूटी वाला भी मतलब चला गया था अंदर, तो बहुत ज़्यादा रिस्क था। आ चुकी हूँ मैं घर और अभी हो चुकी है शाम और अभी करते हैं घर का काम। और रास्ते में तो इतना रास्ता ख़राब था ना, बड़ी मुश्किल से मतलब ऐसा डर लग रहा था। बच्चे खुशी तो बैठी थी साथ में, तो शान पैदल आ रहा था तो खुशी तो उतर भी गई। रास्ते में उसको भी डर लग रहा था कहीं खड्डे में ना गिर जाए, तो इतना पानी था क्योंकि बारिश वही दिन में बहुत बार हुई है और सारा रास्ता ख़राब हो रखा है। तो ये हुआ लेकिन हम ठीक ठाक पहुँच गए, बच गए। और अभी मैं करती हूँ शाम के खाने की तैयारी क्योंकि गए थोड़ी देर के लिए थे लेकिन वही है जाने के बाद टाइम लग ही जाता है, तो फिर ऐसे ही बातें करने लगे थे तो टाइम का पता नहीं चला तो मैं लेट होगी। और अभी इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।